रिजल्ट आया है हमारा हाँ 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 म, हाँ आठ तारीख को आया है हाँ उसमें कोर्ट केस दिखा रहा है सर रिजल्ट में और जो और जो उन्होंने बीटीसी वगैरह की वैसे किए तो उनके क्वालिफाइड दिखा रहा है हमारे पिछयानवे नंबर आये लेकिन हमें नॉट क्वालिफाइड दिखा रहे हैं अच्छा आप मतलब किए हैं और यू के शामिल हुए थे इस बार ना हाँ हाँ, हाँ हाँ आप क्वालिफाई कर गए जय हिंद साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एन ऑनलाइन हब हाँ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपीटीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का जो है फोन कॉल्स आ चुका है मेरे पास अभी तक और लगातार जो है मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और मैं उनका जवाब भी दे रहा हूं लेकिन इतनी फोन कॉल्स आ जाने के बाद जो है जवाब देना असंभव होता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे टीचर का यहाँ पर चिंतित है परेशान है कि आखिर हमारा जो है रिजल्ट आ गया है लेकिन हमारे रिजल्ट स्टेटस पर कोर्ट केस क्यों लिखा हुआ रहा है एक बड़ा सवाल है ये और ये कब तक हटेगी तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि ये कब तक हटेगी और जो मुख्य याचिकाकर्ता थे संदीप मिश्रा सर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे जो भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को अंत तक बने रहना जो भी अनास कैंडिडेट हैं यूपी में क्लियर करने वाला हूँ एक एक करके और साथ में आप लोग को बताना चाहता हूं कि पहले जो है यानी पिछला यू की बात करें मैं थोड़ा सा बैक थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं आपको अगर पिछला यू के दोस्तों अगर बात करें तो पिछला यू में एनाएस जो है ऑप्शन यानी एन एस वालों को ऑप्शन नहीं दिया गया था लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई कर दिए थे क्योंकि बिहार में उसकी मान्यता मिल चुकी थी ठीक है तो उसमें बहुत सारे जो पिछला कैंडिडेट यानी पिछला यू में बहुत सारे कैंडिडेट भाग लेने गए तो बहुत सारे कैंडिडेट को बैठने दिया गया बहुत सारे कैंडिडेट को बैठने नहीं दिया गया जो बैठ बैठे हैं उसका रिजल्ट आ गया लेकिन उसे रिजल्ट कार्ड नहीं दिया गया ठीक है तो इस बार जो यू पी टी का आयोजन हुआ उसमें जो है आ, जो संदीप मिश्रा सर थे इनके द्वारा एक केस फाइल किया गया था और इसमें एक बड़ी जीत हासिल की और इसमें अनायस को जो है ऑप्शन दिया गया यानी यू पी भरने के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया गया दो दिन का समय था अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो है ये कब तक हटेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो आपका रिज़ल्ट आप देखते हैं आई होप सभी ने जो है अपने रिज़ल्ट को देख लिया होगा बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसको हमारे तरफ से बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएँ तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ये एक कैंडिडेट का है अनास है और ये प्राइमरी में देख लीजिए यहाँ पर क्वालिफाई है इसका रिज़ल्ट स्टेटस जो है कोर्ट केस लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर दो स्टार मार्क लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि अनायस से डी एल डी ओ एल डी मूड ठीक है प्रशिक्षित धारी अभ्यर्थियों का परीक्षाफल शासन आदेश पच्चीस दो, दो हजार इक्कीस के निर्देश अनुसार याचिका संख्या वन फोर एट टू वन दो हजार इक्कीस ठीक है संदीप मिश्रा व चार उत्तर प्रदेश राज्य सहित पारित उच्च न्यायालय आदेश बाईस दस दो हजार इक्कीस के विरोध विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेष भिसे, अपील में पारित अंतिम निर्णय के अनुसार जो है घोषित किया जाएगा ठीक है आगे इसमें लिखा हुआ है कि यू पी टी की प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित बीएड प्रशिक्षित योग्यता वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय में एक यहाँ पर है प्रतीक मिश्रा ठीक है बनाम ये जो है अंतिम निर्णय के अधीन होगा आ, अधीन होगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक 12 तारीख के डेट में केस जो है लिस्टेड है मैं उसका स्टेटस भी दिखाना चाहूँगा सबसे पहले अगर आप दोस्तों दूसरे कैंडिडेट का आप देखते हैं जो एन आई एस ए डी एल डी ने किए हैं यानी जो बी टी सी वाले हैं तो उसका देखिएगा यहाँ पर उसके रिज़ल्ट स्टेटस पे जो है कुछ इस प्रकार लिखाएगा क्वालिफाई करके ठीक है क्वालिफाई uh, करके लिखाएगा अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देख लीजिए जो संदीप सर मिश्रा हैं उनके द्वारा क्या कुछ जो है अपडेट दिया गया है इससे संबंधित तो लिखा है कि आप सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन है कि आप सब पीएनपी द्वारा जारी किए टीटी रिजल्ट को देखकर चिंतित ना हो ठीक है यानी जो यू का रिजल्ट जो जारी किया गया है जिस एनआईएस कैंडिडेट ने पास किया है क्वालिफाई किया है वो चिंतित ना हो इस रिज़ल्ट को देख कर आप सबके रिजल्ट पर केस स्टेटस लिख कर लिख कर जो आ रहा है उससे आप सब मत घबराइए ठीक है पीएनपी ऐसा इसलिए की है क्योंकि पीएनपी ने हम सबको सम्मिलित करने की पूर्व जो नोटिस निकाली थी उससे खुद का बचाव करने के लिए के लिए है और रही बात सरकार द्वारा विशेष अपील करने की बात तो सरकार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है पीएनपी जब आ, अंतिम परिणाम जारी करेगा तो सबको जो है डायट द्वारा अंग पत्र देगा और इसमें जो है केस स्टेटस नहीं रहेगा और एक यहाँ पर मैसेज दिया गया है कि आप सबको किसी भी तरह की आर्थिक सहयोग मेरे नाम पर या इस प्रकार पर किसी अन्य चंदा चंदा जीवी को यानी चंदा जीवी को करने की ज़रूरत नहीं कुछ लोग आप सबको भ्रमित कर करेंगे सहयोग की मांग करेंगे उनको सहयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई आ, अगर किसी को चंदा देता है तो वो स्वयं इसका जो है उत्तरदायक होगा संदीप मिश्रा जो कि अनाइस डीलर सिद्धार्थ नगर इनके द्वारा जो है ये मैसेज दिया गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड करने का कोशिश कीजिएगा अब मैं केस स्टेटस दिखाना चाहता हूँ एक बारह तारीख के डेट में लिस्टेड है केस चलिए हम लोग केस स्टेटस को देख ले तो दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कोर्ट यानी इलाहाबाद लखनऊ बेंच में जो एक आ, केस लिस्टेड है और ये केस जो है बारह तारीख को सुनवाई होने वाली है जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जो है पिटनर है ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे ये कोस यानी ये केस जो है लिस्टेड है आप देखेंगे यहाँ पर बारह तारीख के डेट में तो आप लोग का जो कोर्ट केस मामला है वो जो है बारह तारीख के बाद हटने की उम्मीद है अब डिपेंड करता है इस केस पर कि सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर जो भी अपडेट आएगा आपको सही न्यूज़ हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे भले वीडियो लेट आएगी लेकिन आपको जो है सही न्यूज मिलेगी तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश किया हूँ जो आप थंबेल में जो आप देखें वही चीज़ मैं बताने का कोशिश किया हूँ अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना और जो भी डाउट हो नीचे में कमेंट करना क्योंकि बहुत सारे टीचर का मेरे पास अब तक कॉल आ चुका है तो सोचा मैं आप लोग को एक वीडियो जारी करके इंफॉर्मेशन दे दूं इसके संबंध में कि आगे इसकी जो है क्या होने वाली है तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं घबराए नहीं ठीक है आप लोग को जो है इसमें बाहर नहीं होगा बहुत सारे टीचर का इस पर जो है नेगेटिव सोच रहे हैं कि क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा यू से बिल्कुल नहीं ठीक है तो आप लोग पॉजिटिव सोच रखिए और जिस प्रकार आप लोग को यू में ऑप्शन मिला था अलग से ठीक है उस प्रकार से ये केस में भी आपको देखने को मिलेगा तो बसरते जो है आप थोड़ा सा आप धैर्य रखने की ज़रूरत है तो आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल पर जो भी अपडेट आएगा मैं आगे लगातार आपके बीच लाने का प्रयास करता रहूँगा और मैंने संदीप सर से लाइव इंटरव्यू लेने की कोशिश की लेकिन आज जानते हैं आप लोग कि आज जो है रामनवमी है बहुत सारे व्यस्त होने के कारण जो है नहीं दे पाए लेकिन मैं सोचा कि आज जो है व्यस्त इतनी व्यस्त होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कितने चिंतित हूं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा आगे की जो भी अपडेट होगा मैं देने का प्रयास करूँगा इस अपडेट में फिलहाल इतना ही आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा